अब हम लोग जाएंगे मेरा फेवरेट मड वोल्केनो, जो यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, काफी नेचुरल गैस है नीचे जमीन के अंदर, उसके प्रेशर से ये यहाँ पे ये जगह पहले समुद्र के अंदर हुआ करता था, कैस्पियन सी यहाँ पे हुआ करता था बहुत सालों पहले। सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा कि ये दिखा दूँ आपको कि पानी यहाँ पे कैसे लेते हैं पीने के लिए। तो ये एक मशीन है, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे। अभी मैं हूँ बाकू में और पिछले काफ़ी टाइम से मैं हूँ बाकू में, इनफैक्ट 10 दिन हो गया है बाकू में मेरा, क्योंकि मैं बीमार था तो 2-3 दिन मैं बेड रेस्ट पे था। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब था, सर्दी बुखार एंड थोड़ा बहुत वीकनेस था, तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और पिछले 10 दिन से मैं एक ही होस्ट के घर पे हूँ बाकू में। आई थिंक ये मेरा सबसे लंबा काउच सर्फिंग एक्सपीरियंस रहेगा किसी एक घर पे, क्योंकि मैंने अभी तक किसी घर में इतना लंबा मैं रहा नहीं हूँ। तो आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो अभी मैं और सदब जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमें जाना है मड वोल्केनो, जो बाकू से 80 किलोमीटर्स दूर है। और हम लोग एक लोकल कंपनी है, टूर कंपनी है, हम लोग उसके साथ जा रहे हैं। और यहाँ से 1 घंटा लगेगा हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो एक बार मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं डिटेल्स दूँगा कि कैसे मड वोल्केनो जाना सही रहेगा और कितना मैंने खर्च किया है मड वोल्केनो के लिए। ये घर अब मेरा घर हो चुका है। गुड मॉर्निंग। तो सदब भी रेडी हो चुकी है, अभी हम लोग साथ में जाने वाले हैं। और थैंक्स टू जलील जो मेरा होस्ट है, काउंसलिंग होस्ट, क्योंकि उसने भी बोला कि चल तू रह ले, फिर सदब भी रह रही है, तो हम दोनों का अच्छा बॉन्डिंग हो गया है एंड हम लोग साथ में घूमते हैं, तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एंड आई एम थैंकफुल टू हिम। तो बाकू का मौसम पिछले 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा है और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप निकला हुआ है पर थोड़ा बहुत बादल है आज, धूप कम है, बट कल से यहाँ पे मौसम ख़राब होने वाला है 2-3 दिन के लिए, बारिश है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, विंडी भी रहेगा। और वही ये रूट वापस से मेट्रो लेना है, यहाँ पे हजारी अंसलो बोल के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से इशारी शहर जाना है और वहाँ पे हम लोग मिलने वाले हैं जो टूर कंपनी है उसके साथ एंड वहाँ से हमारा जो ट्रिप है स्टार्ट होगा। आई एम एक्साइटेड। I was expecting this answer. सुबह सुबह जब इसको कोई उठाता है ना तो इसका ऐसे ही रहता है ये। I mean, you like to get up in the morning? Not now. Yeah. See, even I hate waking up in the morning, but at times. Yeah, at times. Why I'm wake up? But at times we don't have choice. So, आज वो एक दिन है, वरना हम लोग मस्त सोते हैं। We generally wake up around 11, right? Every day, like average. Yeah. सो दिस इज़ हमारा ये रूल है, हम लोग रात को सोते हैं 2-3 बजे, उसके बाद आराम से 10-11 बजे सो के उठते हैं हम लोग। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही यूनिक नोटिस किया था, यहाँ पे पानी का सिस्टम, मतलब पीने वाला पानी का, तो वो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था परसों, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा देख लो। तो अजरबैजान में पानी फ्री में नहीं मिलता पीने के लिए और ये सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा कि ये दिखा दूँ आपको कि पानी यहाँ पे कैसे लेते हैं पीने के लिए। तो ये एक मशीन है जहाँ पे आपको पैसे डालने पड़ते हैं और पैसे डालने के बाद आप पानी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 लीटर का बॉटल लेके आया हूँ और यहाँ पे ऐसे पानी लेना है। तो मेरे पास एक मन्नत है, तो ये एक मन्नत में डालूंगा यहाँ पे एंड एक मन्नत में यहाँ पे 10 लीटर पानी मिलता है। चले जा भाई। हाँ, चला गया। तो एक बार पैसा चला जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक मन्नत है। अब यहाँ पे इसको ओजन करना है, तो 9 सेकंड में ओजन हो जाएगा पानी। ये ओजन हो गया, अब पानी भरना है। तो कुछ इस तरह से पानी आता है, तो एक मन्नत का 10 लीटर पानी मिलता है। तो मैं पहुंच गया हूं इचारी शहर मेट्रो स्टेशन और धूप खिल गया है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ठंड कम लग रहा है। अभी यहां से 10 मिनट का वॉक है जहां पे हमारा मीटअप पॉइंट है, तभी हम लोग वहां पे जा रहे हैं। और कुछ इस तरह का मेट्रो स्टेशन है, एकदम मस्त ग्लास डोम बना हुआ है यहां पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, आज का दिन बहुत सुंदर लग रहा है।
जब धूप खिलता है ना ठंडे वाले जगह पे, तो काफी अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अंदर से मेट्रो स्टेशन कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही सुंदर है। हालांकि रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है अंदर, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेता हूँ जो नहीं करना चाहिए, बट मैं कुछ ख़राब चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ समथिंग, आई मीन जो बहुत जनरल चीज़ है, राइट। लोग आ रहे जा रहे, दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो आई थिंक उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट अच्छा मेट्रो स्टेशन है ये। और मैं वापस से आ चुका हूँ ओल्ड टाउन की तरफ, और ओल्ड टाउन आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो काफ़ी ज़्यादा बारिश था और वेदर अलग था, पर आज का वेदर बहुत ही सुंदर है। आर यू अवेक और स्टिल स्लीपिंग? स्लीपिंग विद द ग्लास ऑन। हाँ, जस्ट इमेजिन यू आर स्लीपिंग, बट दिस इज योर ड्रीम, यू आर वॉकिंग इन योर ड्रीम्स राइट नाउ। ओके, दिस इज योर ड्रीम, या यू आर स्टिल स्लीपिंग, इवन आई एम स्लीपिंग राइट नाउ। हम लोग का जो थैंक यू हम लोग बोलते हैं ना एक दूसरे को, वो हम लोग खापुन खा बोलते हैं, क्योंकि ये भी थाईलैंड मिस कर रही है, मैं भी थाईलैंड मिस कर रहा हूँ, तो हमारे बीच में स्वाति का और खापुन का काफ़ी ज़्यादा चलता है। खापुन का, हाउ मच यू मिसिंग थाईलैंड? आई थिंक वी शुड हेड टू थाईलैंड सून। हाँ, और ये बहुत ही सुंदर सा कैफे है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर कैफे है, तो कैफे वाला बुला रहा है कि कैफे चीनो है, म्यूजिक अच्छा है, आ जाओ। और यहाँ पे वॉल आर्ट देख लो, बहुत ही सुंदर वॉल्स है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। Good morning, Ashish. Hi, Ali. How are you? Pleasure, pleasure. Please follow me. Sure. जिस कंपनी से मैं एक्चुअली ये टूर बुक किया हूँ, तो उस कंपनी में हूँ, तो कुछ इस तरह कंपनी है यहाँ पे, TES टूर नाम का, एंड यहीं से मैंने अपना टूर बुक किया, तो अभी थोड़ी देर हम लोग निकलने वाले हैं, और इस टूर के लिए मैंने बहुत ही कम पे किया है, जो आपको मैं रास्ते में बता दूंगा। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ये कुछ इनका ब्रोशर है, तो काफ़ी सारे टूर इन लोग प्रोवाइड करते थे, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने किया है, दो तीन दिन पहले, यहाँ लद्दाख जो फायर माउंटेन है, और आज मैं करने वाला हूँ मट वोल्केनो और गोगुस्तान नेशनल पार्क। तो आपको बता दूंगा, अगर आपको समझ में आएगा फ्यूचर में, अगर आपको करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो डिपेंड करे कि मेरा कैसा रहता है, वो मैं आपको ट्रिप में बता दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर, यू आर वेलकम, थैंक यू, सलाम, गुड मॉर्निंग, सलाम, सहीर। तो हमारा जो ट्रिप है ये, पहले मट वोल्केनो जाएंगे हम लोग, एंड वहाँ से फिर वापस टाउन आएंगे, एंड इन लोग जा रहे हैं वापस फायर टेंपल, जो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ मट वोल्केनो करने वाला हूँ, और इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी लगाया है पैसे में, तो मैं एक बार ख़त्म हो जाएगा ट्रिप तो मैं बताऊँगा आपको। का लंबा जर्नी होने वाला है, तो 80 किलोमीटर तो अब क्या करेंगे, व्यू देखेंगे, तो आप भी देखिए हमारे साथ व्यू। अभी हम लोग हैं गोबुस्तान रॉक आर्ट कल्चर लैंडस्केप में, ये मुझे पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमें मुझे लगा कि डायरेक्ट मट वोल्केनो जा रहे हैं, बट उसके पहले ही एक जगह है जहाँ पे हमें लाया गया है, और यहाँ पे आपको आने के लिए 10 मन्नत आपको एंट्रेंस फ़ी देना पड़ेगा, जो 450 रुपये, नहीं 500 रुपये के आसपास है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लैंडस्केप। But Akers worked out after Second World War.
From 1968, this landscape under UNESCO protection. From 2007, this heritage of UNESCO. Andy, please welcome. Thank you. तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो अभी पता चला है, और उस तरफ पत्थर में कार्विंग्स है और इन लोग कहते हैं डांसिंग मैन. पता नहीं कि ये कब बना हुआ है, बट काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है. नेक्स्ट टू यू कैन सी हंटर्स एरो एंड ए डियर. कभी कभी ऐसा टूर करने में मजा आता है, बट मैं ज्यादा मतलब प्रेफर नहीं करता हूँ. दिस वन इज हॉर्न, दिस हेड ऑफ बुल. Today you will see a species of the bull. So, अभी हम लोग हैं एक केव के अंदर में, और they here now by thought people lived in this cave 26,000 years ago. Sometimes between two pictures, many many thousand years. For example, look at that. You can see pictures of a goat. You see. Is this Sudaparos? तो यहाँ पे बकरे का. And the very next two, you can see rider with horse. Between one. 4000 साल पुराना ये कार्विंग्स है, और 4000 साल से यहाँ पे इस पत्थर में ये सारे कार्विंग्स अभी भी है, और कहीं गोट है, कभी कहीं इंसान है, कहीं पे घोड़ा है, कहीं पे डांसिंग मैन है. तो ये सब 4000 साल पुराना कार्विंग्स है यहाँ पे. August 14th. Here was human 100 years ago. We can see this gentleman, but 26,000 years for us nothing. तो ये जगह पहले समुद्र के अंदर हुआ करता था. कैस्पियन सी यहाँ पे हुआ करता था बहुत सालों पहले, मतलब आई डोंट नो कितने साल पहले, बट ये आप देख सकते हो उस तरफ कैस्पियन सी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे पहाड़ है. बट पहले कैस्पियन सी यहाँ पे हुआ करता था, और ये सबमर्ज था पानी के अंदर. और एक बात, यहाँ पे अर्थक्वेक यहाँ के लोग कहते हैं कि हर दिन होता है, बट पता नहीं चलता है. बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत होता बहुत है. टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह का मूवमेंट यहाँ पे है बहुत, तो उसके वजह से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर थे यहाँ पे, और पत्थर इस तरह के फॉर्म हुए हैं. पर माइल्ड है, पर एवरीडे है यहाँ पे. मेरा क्या है ना कि इस तरह ग्रुप टूर मेरे को करना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये एक एक्सेप्शन है, और करना पड़ा. इसका पीछे कारण है कि क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल है. बस से तो आप मेन हाईवे तक पहुँच जाओगे, उसके बाद लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट है. वो क्यों डिफिकल्ट है, जब हम लोग मड वॉल्केनो जाएंगे तब मैं आपको बताऊँगा. एंड यू कैन सी ऑन फ्लोट ऑफ सी बेड लाइक बिलियर्ड टेबल. एंड ऑन द राइट वाइट बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स, दिस वन द ओनली प्रिजन अज़रबैजान फॉर लाइफ टाइम प्रिजनर्स इन अज़रबैजान. नो death penalty from 1993. तो अज़रबैजान में death penalty नहीं है. यहाँ पे आप कुछ भी करो आपको मौत का सज़ा तो नहीं होने वाला है, पर लाइफ टाइम प्रिजन में आपको रहना पड़ेगा. मतलब आपको कैद जिंदगी भर के लिए कर देंगे इन लोग यहाँ पे. यहीं पे तो जेल बताया इन्होंने, बट death penalty नहीं है. Ladies and gentlemen, now you can see on the right two big bulls with horse. This one is very beautiful, like two kangaroo. These two ladies, the oldest picture in landscape, 26,000 years. Our ladies very pretty and they neat head. Actually, ये सारा जो आप देख रहे हो ना carvings वगैरह, ये एक जमाने में cave के अंदर था. अभी तो cave के बाहर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे cave है नहीं. इसका कारण है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की वजह से पत्थर टूटते गया, गिरते गया, और जगह खुलते गया, तो इसके वजह से अभी ये केव के अंदर नहीं है. और उस तरफ अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत छोटे छोटे शिप्स वगैरह दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका ऑयल माइनिंग सेंटर है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑयल निकाला जाता है. इवन उस तरफ भी कहीं पर है, बट यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है. पहले समुंदर यहाँ था, और ये पत्थर में था, और ये पत्थर पूरा डूबा हुआ था. तो अभी अभी लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी है नहीं, और यहाँ पे थोड़ा सा गांव भी है उस तरफ दूर में वहाँ पे. तो अभी कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है.
जो है ट्रैवल करने का, इसके पास एक और बहुत ही ख़तरनाक तरीका है जहाँ पे ये ब्रेसलेट्स बनाती है खुद से और सेल करती है कि थोड़ा बहुत पैसे आ जाए एंड देन उसके बाद उसी पैसे से ट्रैवल कर सके। तो कल मेरे लिए सदफ ने एक ब्रेसलेट बनाया था कुछ इस तरह का। कैन यू होल्ड दिस एंड शो? या सॉरी इट्स वेट टाइम। ओके तो ये है ब्रेसलेट लिव फ्री और काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग है यहाँ पे एंड कुछ इस तरह का दिखता है। तो सदफ ने कल आधे घंटे के अंदर बना के मुझे दिया। सो थैंक यू सदफ फॉर वंडरफुल ब्रेसलेट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस एंड मेक मी अ बिजनेस पार्टनर वन डे। ओके सो दैट आई कैन ऑल्सो ज्वाइन यू एंड डू सम मार्केटिंग। ओके बिकॉज आई एम नॉट दैट टैलेंटेड लाइक यू वेयर आई कैन मेक अ ब्रेसलेट सो ब्यूटिफुली but definitely I can do some marketing on the streets. Come on, we need to buy it. It's one of the best in the world. Yeah. Right. But thank you to be. You're welcome. Yeah. Really. Thank you so much. Appreciate it. Khapun kha. तो अभी हमारा बस इंतजार कर रहा है। अब हम लोग जाएंगे मेरा फेवरेट मड वोल्केनो जो यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है। मैं इसलिए बोल रहा था यहाँ पे ऐसा क्यों है क्योंकि आप तो हाईवे में बस लेके आ जाओगे और बस 195 चलता है बाकू टाउन से यहाँ तक के लिए, जो दो मन्नत 100 रुपये के आसपास का टिकट का खर्चा है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक बार आप हाईवे पहुँच जाओगे वहाँ से अंदर कम से कम 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता नहीं है और आपको लोकल टैक्सी लेना पड़ेगा मेन हाईवे से, जिसका 20 से 25 मन्नत लगता है आपको यहाँ तक आने के लिए फिर जाने के लिए। तो फिर आपको अंदर एंट्रेंस टिकट भी देना पड़ेगा जो है 10 मन्नत का, जो अभी मैंने यहाँ पे दिया था। तो वो सारा मिला के थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है और आप मड वोल्केनो में अकेला नहीं आ सकते क्योंकि ये डेजर्ट में है। तो डेजर्ट क्या होता है कि वो बहुत ही ओपन एरिया है और आपको पता नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली मड वोल्केनो कहाँ पे है और कहाँ जाना है। तो इट्स बेटर कि आप किसी गाइड के साथ आए या तो कोई पब्लिक ट्रिप ले ले तो वो ज़्यादा इजी रहता है और अकेला मुश्किल है। करने का तो कर सकते हैं बट आप ढूंढ के नहीं निकाल पाएंगे कौन सा एग्जैक्टली, और गुम होने का भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। फिर आने जाने का यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इसके वजह से मैंने ये ट्रिप ये टूर लिया है। और ये टूर एक्चुअली 50 मन्नत का आता है जो लगभग 3000 के आसपास है। पूरा डे ट्रिप है जिसमें यानदार जो फायर माउंटेन है फिर फायर टेम्पल है वो सारा इंक्लूडेड है। बट मैं सिर्फ मड वोल्केनो ही कर रहा हूँ इस कंपनी के साथ, जिसके लिए मैं $20 पे कर रहा हूँ एंड $20 आई थिंक रीजनेबल है आना जाना क्योंकि 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है टाउन से यहाँ पे। तो 1500 रुपये का आसपास मेरा खर्चा हुआ है यहाँ पे, बट आई थिंक ये वर्थ है। कम्फर्टेबली मैं पहुँच गया हूँ। तो अभी हमारा गाड़ी यहाँ से निकलने वाला है तो आपको अभी रास्ता का व्यू दिखाते हैं। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके मत आना। पहला बात कि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है तो आप यहाँ पे बोल्ट वगैरह कुछ हायर नहीं करते और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का आप देख सकते हो पूरा डेजर्टेड है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो कोशिश करना कि अगर आप ग्रुप में हो तो एक कार हायर करके आ जाना, या तो अगर सोलो हो तो इस तरह का कुछ पब्लिक ट्रिप जो भी है आप ज्वाइन कर लेना एंड वो इजी रहेगा आपको आने जाने के लिए। मैं इनका डिटेल्स आपको दे दूंगा एक बार ये ट्रिप ख़त्म होता है तो, क्योंकि अभी भी मैं इन बिटवीन ट्रिप में हूँ और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं ये ब्लॉग के एंड में बताऊँगा। पहुंच गए हैं मड वोल्केनो के साइट पे और इस तरफ है तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। हवा थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, आई होप कि आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो अज़रबैजान में 350 से 700 मड वोल्केनो पाया जाता है और सबसे ज़्यादा मड वोल्केनो इसी देश में पाया जाता है और इसमें लगभग 150 मड वोल्केनो जो है वो है एक्टिव, जहाँ पे मड का बबल्स निकलता है।
और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और कहा जाता है कि मड वोल्केनो जो है वहीं पे आपको दिखता है जहाँ पे गैस और ऑयल ज़्यादा है, क्योंकि गैस ज़मीन के नीचे होने के कारण वो जो बुलबुला है वोल्केनो का वो इरप्शन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं और वहाँ से वो मड का बुलबुला निकलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात। Seawater, clay, a little bit oil. This eruption result of very high gas pressure under us, so much gas, natural gas. इंटरेस्टिंग है, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे आराम से रुक रुक के देख रहा हूँ कि कैसे वो बुलबुला निकलता। तो मोस्टली जो नेचुरल गैस है नीचे ज़मीन के अंदर, उसके प्रेशर से ये यहाँ पे कुछ इस तरह का बुलबुला निकलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नासा के जो भी जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि ये जगह जो है वो मार्स से रिलेटेड है, क्योंकि इसका सरफेस का जो क्वालिटी है और जो यहाँ पे क्या कहते हैं ज़मीन का जो प्रॉपर्टीज़ है, जो रिसर्च करने के बाद पाया गया है कि मार्स में भी कुछ इस तरह का प्रॉपर्टीज़ है, तो नासा का ये कहना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस जगह का, कि ये जो आप देख सकते हो मिट्टी, तो ये जो बुलबुला है और ये जो मिट्टी है, ये कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हैं इस मिट्टी में और बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट इस मिट्टी से होता है। और लोग यहाँ पे आके इसके अंदर बैठ के थोड़ा बहुत वो मड बात भी लेते हैं, क्योंकि मड बात इज़ गुड फॉर स्किन। तो कुछ इस तरह का, पर आज तो मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर मड बात लेना है तो आपको प्राइवेट टूर लेना पड़ेगा, कि आपके पास बहुत सारा टाइम हो और आराम से आप मड बात ले सको। बट अभी मौसम भी ठंडा है तो इम्पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि यही एक जगह है पूरे अजरबैजान में जहाँ पे आपको मड वोल्केनो मिलेगा। अजरबैजान में आपको कहीं पे भी मड वोल्केनो मिल सकता है। ये एक जगह है जहाँ पे मड वोल्केनो है। ऐसे गोबुस्तान जो है, ये एरिया को गोबुस्तान बोलते हैं। तो गोबुस्तान के एरिया में बहुत सारे अलग अलग जगह पे मड वोल्केनो है, और ये कुछ चुनिंदा स्पॉट्स में से एक है। तो इसको देखो, यू वांट टू जंप इनसाइड? तो यहाँ पे एक है, पांच छह वहाँ पे है, यहाँ पे दो तीन है, फिर उस तरफ भी एक दो है। तो कम से कम 10-12 यहाँ पे एक्टिव मड वोल्केनो है, और इस तरह के क्रेटर्स जो है बहुत सारे जगह में आपको दिख जाएंगे। तो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। वोल्केनो का सीन, और यहाँ पे मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है और बारिश भी आ रहा है। आई होप आपको यहाँ का जो व्यू है, लुक है मड वोल्केनो, अच्छा लगा हो। एंड आई थिंक अब ये व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो हम लोग इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं, और हमारा बुलावा आ गया है तो हम लोग भाग भी रहे हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लव योरसेल्फ एंड कीप हॉपिंग। बाय फ्रॉम बाकू, मड वोल्केनो, अजरबैजान।